हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बिटुमिनस पेमेंट डिस्ट्रेसेस की वीडियो सीरीज में ये पार्ट 5 है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपका जो एलिगेटर क्रैकिंग होगा उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, किन लोकेशंस पर ये हमें देखने को मिलता है और क्या हमारे सीवियरिटी लेवल्स हैं और कैसे हम इसे ट्रीट करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये बेसिकली फील्ड इंजीनियर्स के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। और जो भी मैं यहाँ पर रिकमेंडेशंस और जो भी चीजें बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रोड कांग्रेस की जो गाइडलाइंस हैं उनके बेसिस पर बात करूंगा, बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो फील्ड ट्रायल्स किए गए हैं उनके बेसिस पर बात करूंगा। तो बेसिकली जो हमारा एलिगेटर क्रैकिंग है, इसको हम दो तीन नाम से और जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। एलिगेटर आपको पता है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, दिस इज द एलिगेटर, बेसिकली अमेरिकन एलिगेटर है ये। एलिगेटर को हम मैप क्रैकिंग या ब्लॉक क्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात यह आती है कि इसको हम एलिगेटर क्रैकिंग क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये सबसे पहले तो ये जो हमारा डिफेक्ट है, ये डिस्ट्रेसेस हैं, ये हमारे क्रैक्स की कैटेगरी में आते हैं। हम अभी इस वीडियो सीरीज में क्रैक्स की कैटेगरीज में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का क्रैक पैटर्न है जो हमारे बिटुमिनस सरफेसिंग में, बेसिकली ये डिफेक्ट आपको कहां मिलेगा, जो हमारे बिटुमिनस के पेमेंट्स में जो सरफेसिंग है उस पर ये आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। अब आती है बात कि ये क्रैक्स होंगे कैसे। तो हमें जब हमारे पेमेंट सरफेस पे कुछ इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क बनेगा क्रैक्स का, सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जो पैटर्न होगा वो इंडिकेट करेगा इरेगुलर ब्लॉक्स। ये आप देख रहे हो, दीज आर दी ब्लॉक्स जो बेसिकली हमारे इरेगुलर हैं, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और सेम, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि दे आर कैरेक्टराइज्ड एज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड क्रैक्स, स्मॉल इरेगुलर ब्लॉक्स, जो कि रिसेंबल करते हैं हमारे एलिगेटर की स्किन को। आप देख पा रहे हैं यहां पर भी इसी तरह के हमारे पैटर्न बन रहे हैं, जो एलिगेटर की स्किन है उसको रिसेंबल कर रहे हैं ये हमारे पैटर्न। इस वजह से इस क्रैक पैटर्न को, बिटुमिनस सरफेसिंग के पैटर्न को हम एलिगेटर क्रैकिंग बोल रहे हैं। और बिकॉज ये इरेगुलर ब्लॉक्स हैं, इस वजह से ब्लॉक क्रैकिंग भी आप कहीं कहीं देखेंगे कि हम इसको एलिगेटर क्रैकिंग को ब्लॉक क्रैकिंग भी बोलते हैं। अब ये जो क्रैक्स हैं ये हमारे डिपेंड करेंगे एक्सटेंट और सीवियरिटी पे, ठीक है। और जो इनका शेप है, जो ब्लॉक्स का शेप है, ये वेरी करता है इनका साइज। जनरली ये हमारे 30 सेंटीमीटर साइज तक कम होते हैं, बट 30 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज के भी ये ब्लॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरल साइज लेस देन 30 सेंटीमीटर, बट आपको 30 सेंटीमीटर से ऊपर भी देखने को ये ब्लॉक्स, जो क्रैक्स के ब्लॉक्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे बिटुमिनस पेमेंट्स में, ठीक है। तो जो बेसिक रीजन है, रीजन ये है कि हमारा जो ऊपर की आपने सरफेसिंग लेयर डाली है और जो नीचे हमारी लेयर है उसके बीच में हमारा रिलेटिव मूवमेंट्स होता है। और वो रिलेटिव मूवमेंट्स के बहुत सारे रीजंस हैं कि जिनकी वजह से वो हमारा एलिगेटर क्रैकिंग के फॉर्म में बिटुमिनस सरफेस पर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो अब आते हैं कि ये किन लोकेशंस पर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो भी हमारा बिटुमिनस पेमेंट्स है, अलोंग द व्हील पाथ, जो गाड़ी चल रही है उसके जो व्हील का पाथ, जो जनरल पाथ है, उसके अलोंग आपको इस तरह के क्रैक्स आप देखने को मिल रहे हैं, एलिगेटर या मैप क्रैक्स के फॉर्म में अपीयर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ फटीग फेलर, जहां पर बिकॉज अलोंग द व्हील पाथ हमारी क्या हो रही है, रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लोड हो रही हैं, और रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लोड की वजह से हमारा अलोंग द व्हील पाथ हमारा फटीग फेलर होगा और हमारा जो डिस्ट्रेसेस हैं वो हमारे एलिगेटर या मैप क्रैक्स के फॉर्म में अलोंग द व्हील पाथ रिफ्लेक्ट होंगी बिटुमिनस पेमेंट में। अब इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, जिनकी वजह से ये हमारा पेमेंट सरफेस में देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो रीजन है कि अलोंग द व्हील पाथ हमारा क्या होगा, पेमेंट सरफेस में एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एज कंपेयर टू अदर लोकेशन इन द पेमेंट सर्फेस, हमारा अलोंग द व्हील पाथ हमारा एक्सेसिव डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो हमारा एलिगेटर क्रैकिंग अलोंग द व्हील पाथ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारी जो पेमेंट की थिकनेस है वो इनएडिक्वेट हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा,
हमारा जिस ट्रैफिक के लिए हमने अगर लोड डिजाइन हमने अपनी लोड डिजाइन की है और हमारी पेमेंट थिकनेस इनएडिक्वेट हो गई, तो ड्यू टू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ लोड हमारा ये पेमेंट डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन क्या होगा, तीसरा रीजन जो है बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो सबग्रेड है, अगर हमारा पेमेंट से कहीं पर भी इस पर पानी आ रहा है तो होगा क्या, यहां पर मॉइस्चर वेरिएशंस की वजह से इनग्रेस ऑफ वाटर, दिस इज इनग्रेस ऑफ वाटर इन द सबग्रेड, तो मॉइस्चर वेरिएशंस की वजह से सबग्रेड में क्या होगा, श्रिंकेज और स्वेलिंग होगी। और जब हमारी श्रिंकेज एंड स्वेलिंग होगी तो होगा क्या, ये सबग्रेड वीक हो जाएगा और वीक होने की वजह से जब हमारा ट्रैफिक चलेगा तो होगा क्या, हमारे जो क्रैक्स हैं मैप क्रैकिंग हमारे सरफेस बिटुमिनस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी। तीसरा चौथा जो रीजन है वो है कि हमारी अगर जिस ट्रैफिक के लिए हमने अपनी रोड्स डिजाइन की हुई है उससे ज्यादा ट्रैफिक यानी ओवरलोडिंग होगी बेसिकली हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की, तो हमारा फैटिक फेलियर हो जाएगा ड्यू टू रिपीटेड ओवरलोडिंग ऑफ हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। पांचवा हमारा एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि होता क्या है, हमारा जो वेदर कंडीशंस जब हमारे टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा जो बाइंडर है वो ब्रिटल होने लगता है, और साथ साथ जब एजिंग होती है यानी पेमेंट सरफेस हमारा काफी पुराना होने लगता है तो जो बाइंडर होगा वो ब्रिटल होने लगता है, धीरे धीरे क्या होगा हमारा पेमेंट सरफेस डिट्रोइट होता है और अलोंग द व्हील पाथ इस तरह के क्रैक पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। छठवां एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारा जो बिटुमिनस कोर्सेज हैं, जो हमारी बिटुमिन जो सरफेसिंग है उसके नीचे जो अंडरलाइंग हमारी कोर्सेज हैं, अगर वो उनमें हमारी लोकलाइज्ड वीकनिंग हो रही है, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है ये लोकलाइज्ड वीकनिंग, की हमारी जो अंडरलाइंग बिटुमिनस कोर्सेज है उनमें हमारी स्ट्रिपिंग हो रही हो, तो होगा क्या हमारा बिटुमिनस सरफेसिंग पर हमारे क्रैक्स रिफ्लेक्ट होंगे अलोंग द व्हील पाथ इन जनरल। तो ये कुछ कॉजेस थे जो हमारे एलिगेटर क्रैकिंग को होने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेस्ड ऑन द सीवियरिटी कि किस लेवल का हमारा क्रैक पैटर्न है, ये मीन्स वो हम असेस कर पाते हैं उनके सिम्टम से जो हमें देखने को मिलेगा पेमेंट सरफेस पे। तो बेसिकली हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लो सीवियरिटी, मीडियम सीवियरिटी एंड हाई सीवियरिटी। लो सीवियरिटी वहां पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर हमारे नॉन इंटरकनेक्टेड क्रैक अभी मतलब रिसेंटली ही वो क्रैक इनिशिएट हुए हैं और वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, और जो एरिया है वो बहुत लोकलाइज्ड टाइप की है और हमारा पेमेंट फर्दर डिट्रोइट नहीं कर रहा है अंडर द ट्रैफिक कंडीशंस। तो यहां पर लिखा हुआ है मैंने कि लो सीवियरिटी क्रैक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एरिया ऑफ क्रैकिंग विथ वेरी नैरो क्रैक्स, ठीक है। तो नैरो क्रैक्स एक कंडीशन होगी और आइसोलेटेड लोकेशंस पर होंगे ये क्रैक्स, और क्रैकिंग जो होगी उसमें इंटरकनेक्शन नहीं होगा यानी क्रैक पैटर्न्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। और जो हमारी इनकी विड्थ होगी क्रैक्स की और डेप्थ होगी वो हमारी जनरली वेरी करती है 1 से 3 mm, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, उस कैटेगरी में हम लो सीवियरिटी क्रैक्स बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग को। मीडियम सीवियरिटी में यही क्या होगा, ये हमारे क्रैक्स क्या होने लगेंगे, इंटरकनेक्टेड होने लगेंगे आपस में, ठीक है, और कुछ कुछ हमारा रिसेम्बलेंस एलिगेटर की स्किन को देने लगेगा जो क्रैक्स होंगे। और ये जो क्रैक्स हैं इसमें कुछ कुछ स्पेलिंग होगी यानी जो ऊपर की बिटुमिनस सरफेसिंग है वो निकलने लगेगी कुछ कुछ, और कोई नो पंपिंग विजिबल। और जो डेप्थ ऑफ क्रैक्स हैं जनरली हमारे 3 to 6 mm होंगे जो हमारा मीडियम सीवियरिटी का जो डिस्ट्रेसेस होंगी। और जो हाई सीवियरिटी में हमारे बेसिकली जो डेप्थ ऑफ क्रैक है या विड्थ ऑफ क्रैक है वो 6 mm से ज्यादा होंगी, और इसमें होगा क्या बेसिकली फुल पैटर्न डेवलप हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह हमारे क्रैक्स कैसे डेवलप कर गए हैं, और इसमें हैवी स्पेलिंग होने की भी जो पेमेंट सरफेस है वो स्पेल होने लगता है जिसकी वजह से वो लूज होकर कुछ पेमेंट सरफेस निकल जाता है, ठीक है। और फर्दर जब हमारा पानी आएगा इस पे तो देयर इज अ इंग्रेस ऑफ वाटर बीनीथ द पेमेंट सरफेस जिससे और हमारा पेमेंट डिट्रोइट होने लगता है, तो इट रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन टू द पेमेंट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी हैवी सीवियरिटी के लिए। अब आते हैं कि हम इस तरह के डिफेक्ट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली कोई भी अगर बीमारी है तो उसे ठीक करने का सबसे सटीक तरीका ये है कि हम उनके अंडरलाइंग कॉजेस को आइडेंटिफाई करें कि वो चीज वो जो डिफेक्ट है वो डिस्ट्रेसेस हैं वो किन रीजंस की वजह से हमारी आ रही हैं
पेमेंट में, जिसकी वजह से डिफेक्ट आपको मिल रहा है। तो बेसिकली आपको यह डिटरमाइन करना होगा कि हमारा स्पेसिफिक कॉज क्या है उस पर्टिकुलर डिफेक्ट का। ठीक है, तो करते क्या है, बेसिकली हम अपने बिटुमिनस पेमेंट सरफेस पे एक कोर निकालते हैं। ठीक है, इस कोर पे हम कुछ टेस्टिंग्स परफॉर्म करते हैं, तो टू चेक कि जो हमारी स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी है पेमेंट सरफेस की, उसकी एडिक्वेट थिकनेस है या नहीं है, ये देखने के लिए। ऐसा तो नहीं हमारा जो पेमेंट का डिटोरेशन का रीजन है वो हमारा सरफेस सब सरफेस मॉइस्चर की वजह से हमारा पेमेंट डिटोरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे एलिगेटर क्रैकिंग हो रही है ड्यू टू वीकनेस ऑफ अंडरलाइंग कोर्सेस। तो ये सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन द सीवियरिटी एंड एक्सटेंट ऑफ क्रैकिंग, हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें बेसिकली थ्री तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला कि जो आपके क्रैक्स हैं बेसिकली अप टू मॉडरेट लेवल के जो एलिगेटर क्रैक्स हैं वो हम सील कर दें, तो फर्दर हमारा पेमेंट डिटोरेट नहीं कर देगा विद द हेल्प ऑफ बिटुमिनस एमल्शन। या क्लैक सीलिंग हम और भी कर सकते हैं, आजकल इंप्रूव्ड बिटुमिन्स आ गए हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी मॉडिफाइड कर देते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ रबराइज्ड एंड मॉडिफाइड बिटुमिन बोलते हैं उसको। थर्ड प्रोसेस है मिलिंग एंड सरफेस रिसाइकलिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी है, यानी जिस ट्रैफिक के लिए हमें थिकनेस जो पेमेंट होना चाहिए और वहां पर हमारे हैवी लोड चल रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज हमारा पेमेंट एग्जिस्टिंग वीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वी गो फॉर अ प्रॉपरली डिजाइंड ओवरले, उसके लिए हमारा पेमेंट इवेल्युएशन करते हैं बेसिकली टू असेस वेदर द पेमेंट एग्जिस्टिंग पेमेंट इज वीक और नॉट, या एडिक्वेट है या नहीं है। तो पेमेंट इवेल्युएशन वी हैव टू डू, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ओवरले जरूरत है कि नहीं, और उसकी एक एडिक्वेट थिकनेस डिजाइन करके हम ओवरले कर देते हैं, जिससे हम इन क्रैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने पेमेंट को हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हम फर्दर लेक्चर्स में और भी डिफेक्ट्स कवर करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।